अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज असमा सलमान उमर फ्रॉम मरहम और हम आज एक और लाइव सेशन के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और मतलब इतनी ठंड पड़ रही है और इतने ठंडे मौसम में यह है मतलब वेरी यू नो गरम गरम और वेरी हॉट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उस प्रॉब्लम का शिकार हैं, एंड दैट इज मोटापा। के हम आपने देखा होगा कि मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वेट लॉस या हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारने के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं और इसके बारे में हमने पहले भी मल्टीपल लाइव सेशंस किए हैं कि डाइट के साथ एक्सरसाइज के साथ आप कैसे अपना वजन कम कर सकते हैं और कैसे मोटापे की बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन इसी का ही एक और ट्रीटमेंट मौजूद है जिसके बारे में आज जिक्र करने के लिए हमने पाकिस्तान के उन डॉक्टर साहब को अपने साथ इसमें शामिल किया है। एंड ही एग्रीड टू विजिट विद अस और इस लाइव सेशन को करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में इस इलाज की बुनियाद रखी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद कि आपने हमें ज्वाइन किया इस लाइव सेशन को करने के लिए। और मरहम की एक वाइड ऑडियंस है और हम लाइक हर महीने लाखों पेशेंट्स तक अपनी सर्विसेज पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन की सूरत में, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स की सूरत में और ऑनलाइन उन्हें जितनी भी उनकी सेहत के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है वो मरहम का प्लेटफॉर्म करता है। तो आई यू नो डीपली वेलकम यू ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। और गाइस डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ खुद कराएं क्योंकि यू नो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी मैं जी डॉक्टर सईद कुरैशी हूँ जी और पायनियर हूँ इस काम का। बैरियाट्रिक सर्जरी शुरू की थी पाकिस्तान में हमने 2005 में। बैरियाट्रिक सर्जरी जो है कि मोटापे की सर्जरी है। तो आई एम रनिंग माई ऑन सेंटर बाई द नेम ऑफ कंट्रोवर्स एट लिबर्टी लाहौर एंड आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस डूइंग द सर्जरी इन मसूद हॉस्पिटल। बिल्कुल। और मैं एक दफ़ा फिर लाइव सेशन के लिए मसूद हॉस्पिटल को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज दे हेल्प्ड अस इन ऑर्गेनाइजिंग दिस लाइव सेशन। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। तो सर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से सो दैट यू नो उनको जवाब मिले लोगों को। एंड द क्वेश्चन इज कि मोटापा असल में है क्या, मतलब ये कैसी बला है जो जान को चिमट जाती है और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मतलब व्हाट इज एक्चुअली मोटापा? मोटापा देखें जी जो हमारा वेट है इसकी ज्यादती जो है ना ये इसको मोटापा कहते हैं। इसकी डिफरेंट फिर आगे स्टेजेस होते हैं। हमारे जो हाइट है ना इसके अकॉर्डिंगली एक हमारा आइडियल वेट होना चाहिए। तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है जितना हमारा मशीनरी मैकेनिकल सारा है जो अपना कंप्यूटर पे बैठे रहे और ये जो हमारे फास्ट फूड्स हैं इसकी वजह से हमारी कंजप्शन ज़्यादा है और हमारा जो आगे जो उसको यूज़ करने का ना वो काम है। सो एज ए रिजल्ट तो हम अंदर अपनी कैलरीज एड ऑन करी जा रहे हैं। तो वो हमारे अंदर जो है ना वो एक चर्बी की सूरत में या जिसको आप कह रहे हैं फैट की सूरत में हमारा वेट पुट ऑन होता है। दिस इज मोटापा। बिल्कुल सही। तो लाइक वो ही बात है कि हमारी क्योंकि कंजप्शन कम है और वो लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। सो ये एक ऐसी डिजीज या एक ऐसा मसला है जिसके लिए शायद मे बी अब हम सब उसका शिकार बनना शुरू हो गए हैं या उसके लिए हम वी आर ऑल प्रोन टू इट के भी ये हो सकती है। जी बिल्कुल। आजकल जिस तरह हमारे जो आगे जो नई नस्ल आ रही है बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये चीज़ राइजिंग एट एन अलार्मिंग स्टेज। हाँ अब तो बच्चे भी क्योंकि वो पेरेंट्स का भी ये कहना होता है कि हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं या मोबाइल फोन पकड़ के बैठे रहते हैं एंड देयर इज नो एक्टिविटी नो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वो उसको कंज्यूम करें प्लस फास्ट फूड इज द मेजर। आपका जो जितने भी आपके जो फास्ट फूड्स हैं जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल जो चेन्स यहाँ पे खुली हुई हैं तो ये आपको ऑफर करते हैं अपसाइज। हाँ। तो ये एक अट्रैक्शन है। तो हमारे बच्चों में जो है ना ओबेसिटी ये अलार्मिंग हद तक ये बढ़ रही है विच इज डेंजरस। बिल्कुल ठीक है। तो सर अब वेट लॉस या ओबेसिटी का को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं? मोटापा एक्चुअली ये जो हमारा इम्बैलेंस है ना कि हम जो खा क्या रहे हैं और इसको इस्तेमाल क्या कर रहे हैं उसके दरमियान इम्बैलेंस है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें जितना खाएं उसको उतना यूज़ कर लें। जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे हमारे बाप दादा थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मुर्गन गज़ा खाते थे बट ये कि उनको यूज़ करते थे। आजकल हमारा उसमें यूजेज नहीं है। हाँ।
तो इसलिए हमें इसके बारे में वी शुड बी वेरी विजिलेंट टू ट्रीट दिस ओबेसिटी बिकॉज इसके साथ देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स मेडिकली एंड सोशली होनी शुरू हो गई है. एंड आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ 13 किस्म के कैंसर हैं जो सिर्फ मोटे बंदे को होते हैं. जो एक कैंसर भी इसमें ऐसी जाए कि एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फिर जो बंदा मोटापे की तरफ माइल होता है उसकी जो ब्लड शुगर होती है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. तो टाइप 2 डायबिटीज जो है दैट इज प्योरली ऑन द बेस ऑफ योर वेट. अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल. मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी हम आप लोगों से ना एक चेकलिस्ट पूछेंगे या क्वेश्चंस का एक सेट पूछेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आप वेट लॉस के बाकी स्टेप्स के जरिए भी रिकवर कर सकते हैं या आपको सर्जरी को चूज कर लेना चाहिए और या सर्जरी को क्यों चूज करना चाहिए. तो आगे सर कंटिन्यू करते हैं. एक चीज़ मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वेट लॉस सर्जरी और लाइपोसेक्शन एक ही चीज़ होती है, तो इज इट ट्रू या ये? क्योंकि मेरे दिमाग में पहले यही कॉन्सेप्ट होता था कि मे बी वो फैट्स को निकाल लेना इज वेट लॉस सर्जरी. सबसे पहले तो एक छोटा सा एक पॉइंट है कि मोटापा जो है इसकी हम ग्रेडिंग कैसे करें. एक नॉर्मल वेट होता है, उसके बाद होता है हमारा होता है ओवर वेट, उसके बाद हमारी शुरू होती है ओबेसिटी. उसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI. ये हमारी हाइट और वेट के दरमियान एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है ना इट शुड बी लेस देन 25, ठीक है. तो अगर तो ये 30 तक जा रही है तो ये हम कह रहे हैं कि पेशेंट इस वक्त ओवर वेट है, ठीक है. बट वेन इट क्रॉसिस द लिमिट ऑफ 30 हम कहते हैं कि जी पेशेंट जो है ना ये ओबेसिटी की तरफ आना शुरू, ठीक है. फिर आगे जो ये इसकी BMI बढ़ता जाएगा हम कहते हैं कि जी ये type 1 ओबेसिटी है, ये सुवीर ओबेसिटी है, ये मोर सुवीर ओबेसिटी है. उसकी फिर आगे ग्रेडिंग्स हैं. तो मोटापे को हम लेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं BMI, ठीक है. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, मोटापे को जो ट्रीट करने के लिए ना 4 मेथड हैं बेसिक. नंबर 1 इज़ द डाइट, नंबर 2 इज द एक्सरसाइज, नंबर 3 इज द विद द डिफरेंट मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है. 4th एंड द लास्ट इज द सर्जरी. सर्जरी उस वक्त ऑफर करते हैं जब बाकी चीज़ें जो है ना जो आपकी वो फेल हो जाएं या उनमें रिजल्ट नहीं मिल रहे या उनमें रिबाउंड आ रहा है कि नीचे वो पेशेंट वेट आता है मगर फिर बढ़ जाता है. इसको कहते हैं यू इफेक्ट, ठीक है. पेशेंट को वेट नीचे आया, हाँ. फिर बढ़ गया, फिर नीचे आया, ये यो-यो इफेक्ट. इसे यो-यो इफेक्ट ये तो सबके साथ बहुत होता है, ये यो-यो ही होता रहता है हम सबका. इससे फिर पता क्या, इससे फिर पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है, हाँ. कि मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ तो मुझसे हो नहीं रही. तो उसमें फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज बड़े आ जाते हैं, खासतौर पर हमारी जो यंग जनरेशन जो लड़कियां हैं अगर वो ओवरवेट हो जाए तो फिर हमके आगे फिर बहुत सारे मिसाइल, हाँ. पैदा हो जाते हैं उनकी मैट्रिमोनियल मिसाइल, आगे पे रल के फिर ये चलते रहते हैं. तो सर्जरी हम उस वक्त ऑफर करते हैं जब बाकी चीज़ें फेल हो जाएं, डाइटिंग और एक्सरसाइज, या उसमें से रिजल्ट ना मिलते हों या फिर उसमें रिबाउंड आता, बिल्कुल सही, या फिर आपको मोटापा जो है ना आपको मेडिकली तंग करना शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक. क्योंकि सर्जरी जो है ना दैट इज द डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. अच्छा, तो आपको लगता है कि लोगों को सर्जरी चूज कर लेनी चाहिए बाकी ट्रीटमेंट्स के मुकाबले में? देखिए जी, जो किस लेवल पर एक बंदे को आकर ये सोचना चाहिए कि हाँ ही इज क्वालिफाइड फॉर सर्जरी या मतलब उसको करानी चाहिए? एलिजिबल फॉर द सर्जरी, बिल्कुल ठीक है. तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप डाइटिंग और एक्सरसाइज से कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे ट्रीट योर ओबेसिटी. हाँ, अगर उस वजह से नहीं हो रहा किसी वजह से एंड ओबेसिटी इज बॉदरिंग यू, तो फिर इसको किसी ना किसी तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए. एंड सर्जरी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग द योर ओबेसिटी. अच्छा, मैंने एक दफ़ा मैं एक किसी कैंपेन के लिए एक इमेज डिज़ाइन करी थी, तो उसमें एक इमेज आया
जिसमें ना एक बंदे को उन्होंने यू ना ओबीज दिखाया हुआ था, मतलब बहुत मोटा दिखाया हुआ था, और फिर उसके अंदर यूँ दिखाया हुआ था कि उसके अंदर हर बीमारी रखी हुई थी, डायबिटीज भी थी, डिप्रेशन भी थी, हाइपरटेंशन भी था, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, मतलब उन्होंने लाइक वो ऐसे बंदे की तस्वीर बनी हुई थी और उसके अंदर सारी बीमारियों का नाम लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज. तो इज इट ट्रू? जी, बिल्कुल, इसको उम्र मुराइज भी कहा जाता उम्र है मराइज, हाँ मैंने भी कि ये सुना हुआ है तमाम उम्र बीमारियों मराइज. की माँ है या जड़ है ये है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको स्नोरिंग होती है, रात को खर्राटे लेते हैं, आपकी जोड़ों में दर्द होती है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और साइकोलॉजिकली आपके बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं, आपने कहीं जाना होता है तो आप नहीं जाते, अवॉइड करते हैं आप, स्पेशली गोइंग इन टू द सम सोशल गैदरिंग। और फीमेल्स में जो है ना, ये जो फिर आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा ज्यादा साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, साइकोलॉजिकल कि उनकी इश्यूज वो होते जो हैं. उनका मैच मेकिंग जब होता है तो हाँ उसमें फिर वो सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है। हाँ मैं वो हमारे यहाँ कल्चरल इश्यूज भी काफ़ी हैं, या अगर जॉब इंटरव्यूज या कोई भी चीज़ हो जी तो जी ये इस तरह के इश्यूज और होते ये हैं. गायनोकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर जब आप पेशेंट कोई प्रेग्नेंट होती है, हाँ अगर उसका वेट ज़्यादा है, तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी उसकी कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता हाँ बिल्कुल सही बात है. है। ठीक है, तो सर अगर जो लोग इस सर्जरी कराने के लिए विलिंग हो तो उस इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, या असल में वेट लॉस सर्जरी की कैसे जाती है. बल्कि पहले आप यही बताएंगे वेट लॉस सर्जरी की कैसे जाती है और होती क्या है असल में. उससे पहले मैं आपको वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, हाँ लाइपोसक्शन हाँ हाँ और बैरियाट्रिक सर्जरी बेरियाट्रिक में सर्जरी में डिफरेंस क्या, डिफरेंस. हाँ देखिए जी, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना, हाँ उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि उसकी रूट कॉज को पकड़ा जाए। ठीक है, तो लाइपोसक्शन जो है ना, वो तो आपकी जो चर्बी आप निकालते हैं वो तो ऐसे ही है ना, जैसे एक दरख्त बढ़ गया तो ऊपर से आपने उसके शाखें पत्तों वगैरह शाख पत्ते वगैरह काटते रहेंगे, मगर काटते. वो दोबारा फिर 2 दिन बाद बढ़ जाएगा। हाँ और इसके अंदर लाइपोसक्शन के अंदर ना एक लिमिटेशन होती है, नॉर्मली और हेल्दीली टेक्निकली ग्राउंड पे आप 3-4 लीटर से ज़्यादा फैट नहीं निकाल सकते। ठीक है. सपोज अगर पेशेंट आपके पास आता है 150 किलोग्राम का, आप उसकी लाइपोसक्शन करते हैं, 4 लीटर के बाद वो 146 हो जाता है, बेसिक तो ठीक ना हुई। प्लस अगर उसके खाने पीने के हैबिट्स वही हैं, वो तो 2 दिन में वो 4 किलो फिर गेन कर लेगा। प्लस अगर आप फैट पेशेंट में अगर आप उसकी चर्बी को साथ मैनिपुलेट करते हैं, तो सम टाइम इट कैन बी वेरी फेटल। कुछ इस तरह की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं यहाँ पे, जो लोगों ने करने की कोशिश की है और उसके बहुत ख़तरनाक नतज भी निकले हैं। सो लाइपोसक्शन इज डिफरेंट थिंग, ठीक ये है. उस पेशेंट में करते हैं, पेशेंट बताता तो नहीं कर रहे, इस एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर, किसी एक जगह पे आपकी फैट ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइपोसेक्शन करके उसको आप स्मार्ट कर देते हैं, ठीक है ओवरऑल ओबेसिटी को आप ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है. तो अगर हम देखा जाए तो फिर हम जो बैरियाट्रिक सर्जरी इसलिए बनी थी कि जो इसकी जो मोटापे की जो वजह है वो हमारा मैदा है, ठीक है. तो ओबेसिटी सर्जरी में हम मैदे के ऊपर कुछ इस तरह की चेंजेस लाते हैं। प्लस एक तो ये थे कि एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सर्जरी नहीं है, ये की होल सर्जरी होती है, जिसको हम लेप्रोस्कोप, ठीक है छोटे छोटे 4 या 5 होल्स होते हैं, ठीक है. एक अंदर हम कैमरा डालते हैं और सारी जो आपकी जो विजुअलाइज होती है वो टीवी पे आता है और फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है. इस सर्जरी के जरिए फिर हम स्टमक के ऊपर कुछ इस तरह की चेंजेस लाते हैं कि सो दैट पेशेंट फील फुल आफ्टर टेकिंग दिस मच ऑफ फूड, उसके अंदर फूड कम जाएगा, उसकी अर्ली फीलिंग होगी, तो फिर उसकी जो सारी जो फैट है वो फिर कंज्यूम होना शुरू होगी। ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही. तो इस तरीके से मतलब ये उस मतलब वो वाली उस तरह से कोई इतनी क्रिटिकल सर्जरी नहीं है कि लाइक इसको हम उस तरह से एज अ सर्जरी कंसीडर करें कि कुछ निकाल रहे होंगे. नहीं बल्कि आप उस तरीके मतलब ये होल्स के जरिए सर्जरी की जाती है. जी, ओपन सर्जरी नहीं होती, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसको हम जोर में की होल की सर्जरी होल कहते हैं, सर्जरी कहते इसलिए हैं. इसकी जो रिकवरी होती है वो भी बड़ी क्विक होती है। ठीक है बिल्कुल सही.
अच्छा, तो सर उसके बाद ये अगला सवाल कि जो लोगों का दिमाग में फियर होता है इस सर्जरी को लेके, उस फियर का क्या करना चाहिए, क्यों और लोग क्यों डरते हैं वेट लॉस सर्जरी कराने से? सर्जरी का जो फोबिया है इट्स नेचुरल, इतना हाँ ठीक है ना, ये बात भी ठीक है। तो अब अगर देखा जाए कि जो सर्जरी है, सर्जरी आफ्टर ऑल सर्जरी है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, मगर एक जो आपका बैरियाट्रिक सर्जन है वो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करता है, आपके सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा के आपकी फिटनेस देखता है, फिर आपको बताता है कि आपने ये वाला प्रोसीजर करवाना है, ये वाला करवाना है या ये करवाना है। हाँ, बिल्कुल। वो सब चीजें आपसे डिस्कस होती है, इसकी रिकवरी कितनी है और कितनी देर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं कि आप सुबह आते हैं, दोपहर को करवा के शाम को घर चले जाते हैं। इसी तरह ये आपके बेरियाट्रिक सर्जन ने सिलेक्ट करना है कि ये किस तरह की सर्जरी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अगर आपने सारा होमवर्क किया हुआ है तो रोजाना बेशुमार तादाद में ये सर्जरी हो रही है। जी बिल्कुल सही। और इस सर्जरी को हम लाइफ सेविंग सर्जरी कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे, वो लाइफ सेविंग सर्जरी कैसे कह सकते हैं? देखिए, अगर पेशेंट एक सफर कर रहा है डायबिटीज के साथ और वो ब्लड प्रेशर का मरीज भी है, हार्ट के ऊपर भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, तो जिसके पास भी वो जाएगा वो सबसे पहले डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि ये अपना वेट कम करें। जब वेट कम होता है तो आपकी जितनी भी ओबेसिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी क्योर हो जाती है। अच्छा, आप खाली मोटापा नहीं, मोटापा है। आजकल तो फैशन नहीं है। मोटापा एक बीमारी है और इट इज ए डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि इसको उन्होंने लेबल कर दिया। तो जब मोटापा ट्रीट होगा तो आपकी जो जितनी भी जो सारी एलिमेंट्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है। ये दिस एक्चुअली मेड सेंस कि वाकई अगर आपका वही वाली बात है कि अगर आपको मोटापा ट्रीट हो जाता है तो आपके वो जो सारा ट्रीटमेंट जो आपको कराना पड़ता है फॉर उन तमाम बीमारियों के लिए जो कि ओबेसिटी क्रिएट करती है, तो वो इसकी वजह से कम हो सकता है। हाँ, सही बात, लाइफ सेविंग सर्जरी बनती है ये। सर्जरी स्टार्ट की थी ये तकरीबन हमने 2007 में। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। 10 साल हो गए हैं। मोर देन टेन इयर्स हो गए हैं। तो उस वक्त के जो हमने पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं, जो डायबिटिक थे, उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की। डायबिटीज की दोबारा, इट इज अ डायबिटीज रिवर्सल सर्जरी, वाह, यू कैन से इट, इट इज अ हाइपरटेंशन रिवर्सल सर्जरी। तो ये लाइफ सेविंग ही हुई ना। अच्छा, आपने आपने इस इसी फील्ड को स्पेशली क्यों चूज किया कि आप इसी के ऊपर काम करें? आपका इसके, या आप रोज जाहिर सी बात है इस चीज के ऊपर काम करें, तो व्हाट इज योर इनर मोटिवेशन कि आप इसके ऊपर काम करें? ये एक बड़ी एक नई किस्म की सर्जरी की फील्ड है जो कि आज से 10 साल पहले लोगों को पता भी नहीं थी। हाँ। और प्लस इस पे अभी काम हो रहा था। हाँ। तो मेरा जो क्लिनिक था हम उस पर ट्रीट करते थे पेशेंट्स को, डिफरेंट जनरल सर्जरी में भी, लाइपोसक्शन भी करते थे। मेरे पास ज्यादातर मोटे पेशेंट आते थे, मगर मेरे पास उनके लिए कुछ था नहीं। हम लाइपोसक्शन कर देते थे, वो आ जाते थे बाद में कि जी दोबारा हमारा वेट गेन हो गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। देन आई वेंट अब्रॉड, उसमें हम जो डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पे ये चीज हो रही थी वहां से जाके इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, फिर उन डॉक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, उनके साथ कुछ ऑपरेशन किए। तो मैं इस वक्त जितनी भी इंटरनेशनल एसोसिएशन हैं बैरियाट्रिक सर्जरी की, आई एम द मेंबर ऑफ लाइफ मेंबर उसका, कुछ का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो ये फिर हमने 2007 में यहाँ पे स्टार्ट की थी सर्जरी। जबरदस्त। तो सर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं लोगों के, मैं आपसे वो एक दफ़ा ज़रा पूछना चाहूँगी। एक सवाल हमारे से पूछा हुआ है अली इमरान अहमद ने कि आई एम गेनिंग वेट रैपिडली, इज देयर एनी स्पेशल रीजन फॉर दैट, नो फिजिकल एक्टिविटी इन माय नॉर्मल रूटीन? आपने सवाल में अपना जवाब दे दिया है। तो अगर आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो यू मस्ट अपनी जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको ठीक करें, उनको ठीक करें, लेकिन अपने हैबिट्स को ठीक करें, तो थिंग्स विल बी बेटर। हाँ, अच्छा, उसके एट द फर्स्ट हैंड हम आपको बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ नहीं लेके। हाँ, अपने हैबिट्स ठीक करें, अपना खाना पीना ठीक करें। हाँ, अगर नहीं होता देन यू शुड गो फॉर दैट। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि सप्लीमेंट्स लाइपो 6 के बारे में थोड़ा सा बताएं, इज इट गुड टू यूज सच सप्लीमेंट्स एज मेनी पीपल आर यूजिंग दीज नाउडेज?
जी आपको अभी मैंने बताया ना कि चार चीज़ें हैं, चार मेथड हैं उसके ओबेसिटी को रिलीज कर, डाइटिंग, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड सर्जरी। आई एम ए मास्टर इन द लास्ट मेथड, बाकी चीज़ें मेरे लिए ग्रीक है। ग्रीक है, ठीक है। तो अगर आपने बैरियाटिक सर्जरी के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है या ओबेसिटी के बारे में पूछना है तो आई एम हेयर। बिल्कुल ठीक। बाकी मार्केट में बेशुमार गिमिक्स अवेलेबल हैं, कुछ बेल्टें अवेलेबल हैं, कुछ पैचेस अवेलेबल हैं, उनके सारे इस तरह। अच्छा, अगर अगला सवाल है सर हमारे पास कि ऐसी खवातीन जो अभी भी अपनी रिप्रोडक्टिव एज में हो, क्या उन्हें वेट लॉस सर्जरी करानी चाहिए? उनके लिए बहुत जरूरी है। मैंने भी जैसे बताया ना कि कंसीव करने से लेकर प्रेगनेंसी को कैरी करने और डिलीवरी तक वेट इज द मेजर क्रिटिकल इशू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही। जो खवातीन जिनकी प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, अगर उनमें कंसीव नहीं कर रही, वो भी जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि जी अपना अपना वेट कम वेट कम करें। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर उसके बाद एक आपका लास्ट मैसेज सब लोगों के लिए कि जो इस मोटापे की बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई एक मैसेज हो जो हम फिर सेशन को रैप अप करेंगे। देखें जी, सिंपल मेथड है कि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली है। अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, अपनी कैलरीज को मेंटेन करें, अपना जितना आप यूज कंज्यूम कर रहे हैं उतना यूज करें, तो मेरा ख्याल इस तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपनी जिंदगी है ये, आपके पास एक दफा मिलती है, इसको प्रॉपर तरीके से इंजॉय करें, ना कि खा पी के इंजॉय करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।